पितों का इसमें एक चीज ये निकली कि तवा जलाशय की मछली पर विस्थापितों का ही अधिकार होगा, किसी ठेकेदार को देने के बजाय, नीलाम करने के बजाय विस्थापितों का ही अधिकार होगा, वही मछली पकड़ेंगे, वही बेचेंगे, वही उसकी रखवाली करेंगे, वही उसका विकास का कार्य करेंगे। और इसके तहत लगभग 33-34 प्राथमिक सहकारी समितियां बनी मछुआरों की, जो विस्थापित आदिवासियों के गांव थे उनमें, और उनका एक सहकारी संघ बना। अब ये जो तवा मत्स्य संघ का काम, इसको संक्षेप में हम तवा मत्स्य संघ कहते हैं, तवा मत्स्य संघ का काम है, वो अपने आप में एक मिसाल बना। इसके पहले जो ठेकेदार का काम था और जो सरकारी जो निगम था, मत्स्य विकास निगम, उसका काम था, उसके मुकाबले आदिवासी मछुआरों की इस सहकारी संघ ने हर दृष्टि से कई गुना बेहतर काम किया। मछली उत्पादन दुगने से ज्यादा हो गया, मछुआरों की संख्या काफी बढ़ गई, रोजगार बढ़ गया, और मछुआरों की आमदनी तो जाहिर है, जो बिचौलिए खत्म हो गए तो वो भी काफी बड़ी। और इतना ही नहीं, मछली संरक्षण के उपाय जो होते हैं, जो उसके नियम होते हैं, उस पर पहली बार ईमानदारी से अमल हुआ। तवा मत्स्य संघ में भी वो लोग आए तो विश्व बैंक के जो प्रतिनिधि थे वो काफ़ी प्रभावित हुए तवा मत्स्य संघ से, और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को बुलाएंगे दूसरी जगह भी, जहाँ बांध से विस्थापित हो रहे हैं लोग, वहाँ हम आपको बुलाएंगे और वहाँ भी इसी प्रकार के कार्यक्रम शुरू करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप वहाँ भी ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें, लोगों को बताएं इसके बारे में। हमने उनको मना कर दिया, हमने कहा कि देखिए, हम आपका इरादा इसके पीछे जो है वो हम समझ रहे हैं कि विश्व बैंक जो बड़े बांध इस देश में बनवाना चाहता है, उनके विस्थापितों का अच्छा पुनर्वास हो सकता है, इसका एक उदाहरण के रूप में तवा मत्स्य संघ को इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे हम लोग सहमत नहीं हैं। मैं जो हमारे आदिवासी संचालक हैं, आदिवासी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, ज़्यादातर निर्णय वो लोग लेते हैं, और सिर्फ महीने में जो मीटिंग होती है, सिर्फ उस मीटिंग में नहीं, रोजमर्रा के काम में भी उनकी भागीदारी रहती है। निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, उसमें कमियाँ भी रह जाती हैं, लेकिन निर्णय वो लोग लें और इसका संचालन वो लोग करें, इस पर जोर हमारा रहा है। और मछुआरों की भी भागीदारी रहे, जैसे मछली का पारिश्रमिक क्या रहेगा आने वाले साल में, जो मछली मछुआरे को जो मछली के साप्ताहिक भुगतान होता है उसका फैसला जो सालाना बैठक होती है उसमें होता है।